हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा जायसवाल। दोस्तों, आप मुझे पहचानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड हेल्दी किचन से। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ स्मार्ट एंड हेल्दी किचन से सीमा जायसवाल। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो हमारी वीडियोस आती हैं उन्हें लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीख रहे हैं ब्रेड स्प्रेड। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत तरह के ब्रेड स्प्रेड आते हैं, कुकुम्बर और ऑरेंज कैरेट के बने बनाए। मैं भी ब्रेड स्प्रेड लेकर आती हूँ, वो फल फूड वाला स्प्रेड लेकर आती हूँ। बहुत टेस्टी और यमी लगता है। बटर की तरह हम उसे ब्रेड के ऊपर दो स्लाइसेस के बीच में लगा के खाते हैं, सैंडविच की तरह। हल्की हल्की भूख है उसमें खा सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं उस चीज़ को। तो वही स्प्रेड आज हम घर में बनाना सीख रहे हैं। इंस्टेंट बनाएंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको उसको बनाने में। आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि ये चीज़ जो हम सिर्फ बाजार से बनी बनाई लेकर आते थे, घर में कितनी इजीली हम उसको बना सकते हैं। उसमें बिल्कुल भी प्रिजर्वेशन नहीं होगा, इंस्टेंट बनेगा, फ्रेश बनेगा और आप उसको घर में बना के इंजॉय करेंगे। तो ये आपको सिखाएंगी मेरी फ्रेंड साक्षी और वो कैसे बनाती हैं ये ब्रेड स्प्रेड। आइए बनाना सीखते हैं। तो आइए बनाना सीखते हैं कुकुम्बर एंड कैरेट स्प्रेड। ये आपको साक्षी जी बताएंगी जो कि मेरी फ्रेंड है। साक्षी बताइए, इसके लिए आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और ये हम कैसे बनाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने लिया है ये कैरेट, मैंने हाफ कैरेट लिया है और इसको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये लिया है कुकुम्बर, इसका मैंने सारा वॉटरी बेस्ड सीड्स जो होते हैं, जो पल्प होता है, मैंने सारा निकाल दिया है और उसको 1 घंटे पहले मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रख के पंखे के नीचे रख लिया था ताकि उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने इस स्पून के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने टमाटो केचप ली है और यहाँ पे इसी स्पून के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने वेज मेयोनीज ली 4 चम्मच। ठीक है, अब हम इन सबको मिक्स करके हम आपको बताते हैं कि आप इंस्टेंट घर पर ही होममेड कुकुम्बर एंड कैरेट स्प्रेड कैसे बना सकते हैं और वो भी बहुत ही इजीएस्ट वे में। आप चाहें तो इसको कुकुम्बर को इंस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट खाना है तो आपको इंस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये आपका 3 से 4 दिन आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको और अपनी कैरेट को, कुकुम्बर को और कैरेट को दोनों को ही मैंने 1-1 घंटे पहले कट करके चॉप करके पंखे के नीचे टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया था। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं अपना कुकुम्बर एंड कैरेट स्प्रेड एट होम इन अ वेरी इजीएस्ट वे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। अब इसमें मैं अपने कैरेट्स डाल रही हूँ। आपको जितने भी दिन के हिसाब से बनाना है आप उतने दिन के हिसाब से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 वीक तक, इससे ज़्यादा ये नहीं ठहर पाएगा, वो आपको इंस्टेंट ही बनाना पड़ेगा। ये मैंने अपना कुकुम्बर डाल दिया है, मैंने कुकुम्बर डाल दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी मेयोनीज डाल रही हूँ। देखा फ्रेंड्स आपने, मैंने अपने चारों इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जस्ट हमें इसको मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ये सब कुछ। अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और स्पाइसेस देना चाहते हैं तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, या मैगी की हॉट एंड चिली सॉस आती है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अभी जो मैंने इसमें जो फ्लेवर्स या जो मैंने ऐड किया है वो सिर्फ मैंने बच्चों के हिसाब से किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस यूज़ नहीं करे हैं, क्योंकि हमने जो टमाटो केचप लिया था उसी में हमारे सारे स्पाइसेस ऐड थे, लाइक ब्लैक सॉल्ट, लाइक ब्लैक पेपर,
या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि उसमें एक टैंगी फ्लेवर है, वो स्वीटनेस, ये सारे फ्लेवर्स हमारे टमाटो केचप में थे, इसलिए मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस यूज़ नहीं करे हैं। ये इस समय बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम इसको ब्रेड पे लगाते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्रेड के एजेस काट लेते हैं। तो देखिए मैंने अपने ब्रेड के एजेस काट लिए हैं। अब ये जो ब्रेड है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्मार्ट एंड हेल्दी किचन में कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करते हैं। हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे और उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस के अपने ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे। तो हमारे होममेड ब्रेड क्रम्स भी रेडी। तो चलिए अब हम अपने ब्रेड्स पे लगाते हैं अपने स्प्रेड को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया है अपने स्प्रेड को। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने लगा दिया है, मैं इसके ऊपर ये अपना सेकंड स्लाइस लगा रही हूँ। और अब ये मेरा होममेड ब्रेड स्प्रेड तैयार हो चुका है, जिसमें मैंने कुकुम्बर एंड कैरेट का यूज़ करा है। बाजार के बिल्कुल तरीके से, जैसे हम बाजार के फन फूड्स की खाते हैं ना कुकुम्बर एंड कैरेट स्प्रेड, वैसे ही घर पर बन चुका है और सेम टेस्ट आएगा। अब एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि साक्षी जी ने कैसे ये स्प्रेड बनाया है और ब्रेड के ऊपर आपको लगा के दिखाया है। आप इसमें अपना जो ये स्प्रेड है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अपनी प्लेट के ऊपर सर्व करेंगे और प्लेट के ऊपर सर्व करके दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे ये कुकुम्बर और कैरेट स्प्रेड बनकर रेडी हो चुकी है। हमने ब्रेड पर लगा दिया है, गार्निश कर दिया है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे न्यू फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी न्यू वीडियोस आती हैं हमारी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।